जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर सरकारी स्कूलों की परीक्षा में नकल से जुड़ी है। नकल भी ऐसी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सोचिए कि कैसे मुमकिन है कि किसी एक स्कूल के सभी बच्चे किसी एक सवाल का एक ही जवाब दें। यानी एक बच्चे का जवाब अगर ए है तो सभी का जवाब ए हो, लेकिन ऐसा हुआ है। ये गोलमाल हुआ है राजस्थान की एक परीक्षा में। हालांकि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर से ऐसी धांधली पकड़ में भी आ गई। बहरहाल मामला सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। मुन्ना भाई ने क्या दिमाग चलाया, अपनी जगह किसी और को परीक्षा में बिठाया और एंट्रेंस टेस्ट में टॉप करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। बेशक ये कहानी फिल्म की है, लेकिन हकीकत में भी ऐसे कारनामे होते हैं। परीक्षा में नकल करने के ऐसे ऐसे तरीके निकाले जाते हैं कि किसी को यकीन ना आए। राजस्थान का ही मामला देख लीजिए। वहाँ सरकारी स्कूलों में हुई एक परीक्षा का जब नतीजा आया तो देखने वाले चौंक गए, क्योंकि सामने आया कि एक स्कूल के सभी बच्चों ने एक ही जवाब दिया था। मसलन पूरे स्कूल ने सवाल नंबर एक का आंसर ए दिया और सवाल दो का आंसर बी। कोई भी समझ सकता है कि ये बगैर नकल के मुमकिन नहीं, लेकिन ये गड़बड़ी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर ने फट से पकड़ ली। इस मामले में शिक्षा बोर्ड जांच कर रहा है, लेकिन मामला बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों का स्टैंडर्ड जानने के लिए हर साल 3 एग्जाम होते हैं। इस बार एग्जाम में राज्य भर से 8वीं तक के करीब 45 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, लेकिन 33 जिलों के 262 स्कूलों में हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। इनमें किसी एक स्कूल में किसी एक सवाल का जवाब हर बच्चे ने एक जैसा दिया है। यानी एक सवाल का उत्तर अगर किसी एक बच्चे ने ए दिया है तो सभी बच्चों का उत्तर ए है। माना जा रहा है कि इन स्कूलों में टीचर्स ने ही बच्चों को नकल कराई। दिलचस्प बात यह है कि नकल करवाने के लिए जो उत्तर बताए गए वो भी गलत निकले। जब ये गड़बड़ घोटाला सामने आया तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हंगामा मचना लाजमी था, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि एक स्कूल के 100 से 200 छात्र बिना नकल किए एक जैसा जवाब दें। असल में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 8 तक के छात्रों के लिए RKS MBK यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम प्रोग्राम की शुरुआत पिछले साल की गयी थी। इसका मकसद बच्चों की पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड जानना है, ताकि कमजोर बच्चों पर टीचर ज्यादा ध्यान दे। साल में 3 बार होने वाले एग्जाम में मल्टीपल चॉइस वाले सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों को वर्कशीट पर ABCD में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है, लेकिन लगता है कि टीचर्स ने बच्चों को उत्तर बताए और सभी ने उसकी नकल की। विडंबना ये है कि नकल के बावजूद ज्यादातर के उत्तर गलत निकले। ये चोरी एआई की वजह से पकड़ी गई, क्योंकि RKS MBK एग्जाम के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी NIC ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये सॉफ्टवेयर टीचर्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और एग्जाम होने के बाद कॉपी स्कैन करके सबमिट कर देते हैं। इसके बाद रिजल्ट भी NIC ही जारी करता है। चूंकि ये सॉफ्टवेयर AI पर काम करता है तो हर स्कूल का अलग अलग डेटा तैयार किया गया। जब डेटा फिल्टर होकर शिक्षा विभाग के पास पहुंचा, नकल का खुलासा हो गया। एनालिसिस में हमने देखा कि
250 प्लस जो स्कूल्स हैं वहाँ पर वन और टू टेस्ट के अंदर एक सिमिलर पैटर्न देखा गया, जिसमें बच्चों ने एक ही तरह के जो है वो सवाल जो है कि रिप्लाई दिए गए थे। तो उसके आधार पर हमने संबंधित संस्था प्रधान को लिखा है कि भी आप क्लेरिफाई करें ये पैटर्न्स किस कारण से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसमें हो सकता है कि वहाँ नकल की संभावना रही हो, लेकिन प्राइमा फेसी हमने यही बेस जो पैटर्न निकल कर आया है उसके आधार पर अभी हमने क्लेरिफिकेशन मांगा है। ये कारनामा देखते हुए स्कूलों के प्रिंसिपल को नोटिस दिया गया, जो टीचर नकल के लिए जिम्मेदार पाए गए उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऐसी नकल या गड़बड़ी फिर ना हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। परीक्षा में नकल पर नकेल कसने में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे और कितना कारगर हो सकता है, इसे हमने समझा साइबर एक्सपर्ट अश्विनी दुबे से। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाधान के डिजाइन, विकास, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, अदालत में कैसे तर्कों को और कैसी अदालती कार्यवाही को उसमें लिखा जाएगा और किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है, डे टू डे हियरिंग में, डे टू डे केसेस के बेसिस पर कैसे रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करने के लिए, कैसे डाटा कलेक्ट करने के लिए उस पर कार्य करता है। अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश में एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्या, ये प्योरली रिएक्टिव है, लिमिटेड मेमोरी है, ब्रेन थ्योरी है, सेल्फ कॉन्शियस है और ये मशीनों द्वारा प्रदर्शित किया गया कि इंटेलिजेंस है। अभी जिस तरीके से राजस्थान की घटना आई जिसमें दर्जनों स्कूलों में जो नकल हुई, नकल का भंडाफोड़ हुआ, तो जो नकल करवाने वाले लोग थे उनका जो नेक्सस काम कर रहा था वो पकड़ में, ये तभी संभव हो सका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, वरना ये किस लेवल पर चलता रहता किसी को पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक जैसे आंसर सारे विद्यालयों में सारे जगहों पर सारे विद्यार्थियों ने दिया, तो ये सब साबित करता है कि जो एक प्लान्ड वे में लोग जो है जो मिसयूज कर रहे हैं मैकेनिज्म का, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो उपकरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, वो तकनीकी व्यवस्थाएं उनको एक्सपोज भी कर रही हैं।